दोस्तों अन एकेडमी पे डॉक्टर किरण वेदी मैम और मृणाल सर के द्वारा, जो कि टॉप के एजुकेटर हैं, उनके द्वारा 9 दिसंबर को 5:30 PM पे एक स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, जिसमें आपको बताया जाएगा एसे राइटिंग के बारे में, मेंस में हम किस तरह से अपनी एसे राइटिंग बेटर करें और अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो ये स्पेशल क्लास आप ज़रूर देखना। आप अन एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, उस पर रजिस्टर या साइन इन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप ये क्लास देख सकते हैं। और MKYT10 इस कोड का यूज़ करके आप 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ कई सारी फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। तो जल्दी करें। तो दोस्तों, जो डिफेंस में बड़े ऑफिसर होते हैं उन्हें स्पेशल कार भी दी जाती है, साथ ही साथ उस पर कुछ स्टार भी बने होते हैं, जिससे पता चलता है किस रैंक के ऑफिसर हैं। चाहे वो आर्मी के ऑफिसर हों, नेवी के हों या एयरफोर्स के हों, सबकी अलग स्पेशल कार दी जाती है। और साथ ही साथ जो इनके जो नंबर प्लेट होती हैं वो भी बाकी नंबर प्लेट से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। और इनको जो रजिस्टर किया जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत रजिस्टर किए जाते हैं सारे नंबर। और इनमें स्टार्टिंग में सब में एक एरो होता है, जिसे ब्रॉड एरो कहा जाता है, और ये एरो ब्रिटिश गवर्नमेंट से चला आ रहा है। और इसके बाद दो नंबर लिखे होते हैं, जो इससे ये पता चलता है किस साल में सर्विस में ली गई है। उसके बाद एक अल्फ़ाबेट होता है, जो कि बेस कोड होता है, उसके बाद नंबर होता है, और रियल नंबर यही होता है गाड़ी का। और लास्ट में एक अल्फ़ाबेट होता है, जिससे ये पता चलता है ये किस क्लास का व्हीकल है। तो इस तरह की स्पेशल नंबर प्लेट दी जाती है डिफेंस में। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह की स्पेशल कार दी जाती है इन्हें। तो आर्मी में जो बड़े ऑफिसर होते हैं उन्हें जो नंबर प्लेट होती है उनकी, जिसपे स्टार होते हैं, वो रेड कलर के होते हैं। और नेवी में होते हैं उनकी नंबर प्लेट नेवी ब्लू कलर की होती है, और एयरफोर्स में स्काई ब्लू कलर की होती है, और साथ ही साथ उन पर स्टार बने होते हैं। तो आर्मी में जो ब्रिगेडियर रैंक के होंगे ऑफिसर, उन्हें 1 स्टार वाली कार मिलती है, साथ ही साथ ऊपर जो होता है आर्मी का फ्लैग होता है। उसके बाद मेजर जनरल वाले को 2 स्टार मिलती है, रेड कलर पे 2 स्टार और ऊपर आर्मी का फ्लैग। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल को 3 स्टार, फिर आर्मी का फ्लैग। एंड जो जनरल रैंक होती है उनकी जो रेड कलर की नंबर प्लेट होती है उस पर 4 स्टार होते हैं, और ऊपर जो होता है आर्मी का फ्लैग होता है। तो इस तरह की स्पेशल कार दी जाती है इन सभी ऑफिसर्स को। वहीं मैं इंडियन नेवी की बात करूं तो इसमें जो कॉमोडोर रैंक के ऑफिसर होते हैं उनकी जो होती है नेवी ब्लू प्लेट पे 1 स्टार, और ऊपर जो होता है नेवी का फ्लैग होता है। इसके बाद जो रैंक होती है रियर एडमिरल, इनकी गाड़ी पे 2 स्टार, साथ में नेवी का फ्लैग। इसके बाद जो रैंक होती है वाइस एडमिरल, इनकी जो होती है नंबर प्लेट उस पर 3 स्टार और नेवी का फ्लैग। और जो हेड होते हैं नेवी में वो होते हैं एडमिरल, और इनकी गाड़ी पे नेवी ब्लू जो प्लेट होती है उस पर 4 स्टार होता है, और साथ ही साथ इंडियन नेवी का फ्लैग होता है। इसके बाद हम देखते हैं इंडियन एयरफोर्स, उनकी स्पेशल कार के बारे में। तो इसमें जो एयर कॉमोडोर होते हैं उनकी जो होती है स्काई ब्लू प्लेट पे 1 स्टार होता है, और साथ ही साथ जो इंडियन एयरफोर्स का फ्लैग होता है। इसके बाद एयर वाइस मार्शल, इनके पे 2 स्टार, साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स का फ्लैग। फिर इसके बाद एयर मार्शल, उनकी कार पे 3 स्टार होता है और इंडियन एयरफोर्स का फ्लैग। और जो हाईएस्ट पोस्ट होती है एयर चीफ मार्शल, उनकी जो गाड़ी होती है उस पर स्काई ब्लू प्लेट पे 4 स्टार होते हैं, और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स का फ्लैग होता है। तो इस तरह की स्पेशल कार दी जाती है डिफेंस में जो हेड होते हैं उन सभी को। तो आर्मी के जो हेड होते हैं जनरल, उन्हें 4 स्टार वाली, नेवी के हेड एडमिरल, उन्हें 4 स्टार वाली, और एयरफोर्स के हेड एयर चीफ मार्शल, इन्हें 4 स्टार वाली। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक शेयर करना। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।